नमस्कार, मैं खुशी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास का आज के दिन हुआ था जन्म। जतेंद्रनाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ था। वह देश के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है और उनके साथ ही उन्हें प्यार से जतिन दा कहा करते थे। जतेंद्रनाथ दास कांग्रेस सेवा दल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। भगत सिंह से मुलाकात होने के बाद वह बम बनाने के लिए आगरा आए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे वे जतिन दास ने बनाए थे। आज के दिन हुआ था पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन का जन्म। पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे। वह प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में देश के पूर्व चुनाव आयुक्त TN सेशन इनके प्रतिद्वंदी थे। इससे पूर्व वे राजनयिक के रूप में रंगून, टोक्यो, लंदन, कैंसास और हनोई दूतावास में रहे। वे थाईलैंड, तुर्की और चीन गणराज्य में राजदूत भी रहे। 1980 से 1984 तक वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रहे। आज के दिन हुई थी सबसे बड़े न्यूट्रॉन तारे की खोज। खगोलविदों ने 27 अक्टूबर 2010 को अब तक के ज्ञात सबसे बड़े न्यूट्रॉन तारे की खोज की थी। यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इनका आकार छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ब्रह्मांड का ताकतवर तारा होता है। न्यूट्रॉन तारे दरअसल प्राचीन तारों के अवशेष हैं जो अपने जीवन काल के अंतिम चरण में हैं। न्यूट्रॉन तारों का जन्म सुपरनोवा विस्फोट के समय होता है जब कोई बड़ा तारा अपने अंदर की सारी हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में परिवर्तित कर देता है। इस महाविस्फोट में तारे का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह ब्रह्मांड में बिखर जाता है जबकि केवल क्रोन बचा रहता है जो ठंडा होकर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। मुगल बादशाह अकबर का आज के दिन हुआ था निधन। मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर का फतेहपुर सीकरी में 27 अक्टूबर 1605 को निधन हो गया था। अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था जहां उनका मकबरा बना हुआ है। अपनी योग्यता, वीरता और शासन कुशलता के कारण अकबर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सके थे, इसलिए उनकी गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। लेकिन उनका अंतिम काल बड़े दुख में बीता था। जब अकबर मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने बेटे सलीम के सभी अपराधों को क्षमा करते हुए अपना ताज देकर उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 27 अक्टूबर दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों की सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग को प्रशंसा प्राप्त होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद व हरा तथा निषेध रंग लाल व पीला। मिथुन, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग है। शुभ रंग हरा का ही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। पदोन्नति अथवा अच्छी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का बोझ अधिक है। जिम्मेदारी को सहजता से निभाएं। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति रह सकती है। किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अपनी समझबूझ से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।
कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला नीला। कन्या, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है। सफलता के योग हैं। निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। तुला, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%। आपके सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें। जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 47%। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। विवाद से बचे। निवेश यात्रा व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चर के व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। संतान के प्रति चिंतित हो सकते हैं। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। बौद्धिक और सृजनात्मक कार्यों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे। शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। आप धार्मिक कार्यों पर काफी खर्चा कर चुके हैं और फिर से किसी पूजा पाठ पर खर्च हो सकता है। विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा। जोश के साथ काम करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है। माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग है। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।